अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं बना लगी थी इफ्तार, मैंने कहा आप लोगों के साथ व्लॉग भी अपना शेयर करती हूँ, साथ साथ हम मतलब लाइव व्लॉग में रूटीन अपनी शेयर करूँगी, कैसे कैसे मैं इफ्तार की तैयारी करती हूँ। और साथ मैं आप लोगों को बता दूँ कि सहरी जो हमारी होती है वो होती है 4:20 पे, आज हुई थी तो 2-2 मिनट पीछे जाता है, लाइक कल होगी 4:18 पे, तो इस तरह 2-2 मिनट पीछे चला जाएगा। और हमारी जो इफ्तार होती है सहरी का, तो मैं नहीं व्लॉग बना रही, मैं सिर्फ इफ्तारी का बना रही हूँ। और जो हमारी इफ्तारी है वो होती है 8:16 पे होगी आज, वो भी 2-2 मिनट आगे चला जाता है, तो 8:16 पे होगी और वो टाइम है अभी। लेकिन मैं इसलिए पहले प्रिपरेशन कर रही हूँ क्योंकि मैंने कहा फूड मतलब इधर उधर तकसीम भी कर दूँगी साथ, जो थोड़ा ज़्यादा बना लेती हूँ। आज है 25 रोज़ा और मैं बना रही हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। आज है हमारे मेन्यू के अंदर चना चाट और साथ कुछ कबाब, रोल्स और राइस, चिकन वाले, मटर वाले। तो सबसे पहले हम चना चाट के लिए हम ले लेंगे आलू, ये टमाटर, दही, कुकम्बर, मर्ज़ी आपकी ऐड करना है नहीं करना, थोड़ा सा ऐड करेंगे साथ। ये मैं ना प्याज ऐसे ऐड करती हूँ कि मैं ना इसको नमक लगा के रख देती हूँ, उसके बाद मैं इसको ड्रेन करके वॉश करके अच्छे से फिर यूज़ करती हूँ ताकि कड़वे नज़र मतलब फील ना हो। और उसके बाद 2 कैन ले लिए हैं चने के, यहाँ पे ऐसे कैंस मिलते हैं, दूसरे भी मिलते हैं लेकिन वो पकाना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, तो कैंस ज़्यादा ईजी रहता है, मेहनत लगता है। मतलब ये बने बनाए होते हैं, जैसे इसका पानी होता है ना उसको ड्रेन करना होता है अच्छे से और वॉश करना होता है। ये इमली है हमारे पास घर की बनी हुई, टमाटर हो गया, चिली हो गई, ये चाट मसाला हो गया, ये कुछ मसाले हो गए, तो ये हमारे पास चीज़ें हैं। और ये है चना चाट को मतलब ये कैन को ओपन करने के लिए, तो मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कैसे है। ये इसके नीचे वो लगा हुआ है मैग्नेट लगा हुआ है जो इसके साथ चिपक जाएगा तो फिर चल जाएगा, स्टक हो गया, इसको इधर प्रेस करो तो इसने खुद ही घूम घूम के ओपन कर देना है इसको। 2-3 देर हम अपने बाकी काम कर लेते हैं। ये आप देखें कैसे ओपन हो गया, इसके अंदर देखो पानी कितना है, तो हम फिर इसको प्रेस करेंगे तो ये खुद ही बंद हो जाएगा, बंद हो गया। अब इसको उठा लेंगे तो ये रहा पानी, ये इसके साथ अटैच हो गया, इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे ये खुद ही उतर जाएगा। तो मैं आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ मैं कैसे करती हूँ। ये हम लेके जाएंगे, इसके अंदर करके अच्छे से वॉश कर लेंगे इसको, ये होता है कैन। इसी तरह मैंने दूसरा भी स्टार्ट कर लिया, हो गया स्टार्ट। तीन चम्मच हमने ऐड किया इमली के, 1 चम्मच ऐड करेंगे योगर्ट का, इसको वॉश कर लेते हैं, 2 भी कर सकते हैं, मैंने भर भर के डाल देखा ऐसे। उसके बाद हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चिली, बस ज़्यादा मसाला ऐड नहीं करेंगे, इतने ज़्यादा कम रखेंगे तो मज़ा आएगा आप लोगों को, तो इतना सा नमक है लाइक टुक टुक है, और ये चिली तो बहुत ही कम जाएगी इतनी से। और ये सारे गरम मतलब मसाले बना के रखे हैं, ये चार मसाला जाएगा, चार मसाले, चार मसाले कितने का, ये हमने थोड़ा ऐड कर दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो लम्स बने मैंने उसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे ना, उनको तोड़ देंगे, देखो कैसे बने हैं, योगर्ट के बन जाते हैं ना फट से, जल्दी से निकालो ना उसी टाइम तो नहीं बनते, अगर ऐसे थोड़ा टाइम लगा तो बन जाते हैं। ये हो गया, अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड करते हैं, एक मिनट बंद करते हैं इसको। टमाटर बहुत ब्रीक ब्रीक मतलब पतला पतला काटेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। कुकम्बर भी छोटा छोटा चॉप करके हम डालेंगे, वो आपकी मर्जी है कुकम्बर डालना है कि नहीं डालना, ठीक है, बट अच्छा लगता है। ये देखो ऐसे छोटा छोटा चॉप करके डालेंगे, कितने हाँ सफाई है मेरे हाथ में माशाल्लाह। अच्छा आप लोगों को बात करता हूँ, अगर आप लोगों को लगता है ना कि हमारा खाना अच्छा नहीं बन रहा या रोज़े के हमें पता नहीं कैसे हम उसको टेस्ट करें, तो आप लोगों ने क्या करना है ना, आप लोगों ने बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करना है खाना बनाना, अच्छी नीयत से बनाना है, जिसके लिए भी बना रहे हैं, घर के लिए बना रहे हैं, किसी को देने के लिए बना रहे हैं, तो इससे ना आपका खाना सच्ची में अच्छा बनता है। अगर आपकी नीयत ही नहीं है बनाने की या आपको करने की, तो फिर वो अच्छा नहीं बनेगा, ट्राई करके देखना आप लोग। और
तो इसके अंदर हमारे पास आएगा टमाटर, टमाटर को ऐड करते हैं। उसके बाद हमारे पास आएगा कुकम्बर, तो कुकम्बर को भी ऐड कर देते हैं। हेल्दी सा स्नैक भी बन जाता है आपके लिए, अगर आप वैसे रोजे के रोजा नहीं है, वैसे भी आपने खाना है तो आप खा सकते हैं। देखो ये मिक्सचर कितना जमी जमी सा लग रहा है। अब इसके अंदर प्याज हम बहुत थोड़े ही ऐड करेंगे, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, बट थोड़े हैं तो थोड़े थोड़े ज़्यादा अच्छा लगता है। ये चिली कट कर लेते हैं और प्याज को वॉश कर देते हैं। तो ये रही हमारे पास चिली, जो कि मैं बहुत थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मैंने बारीक बारीक सी काट ली है, तो ये ऐड कर देंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, चना और हर चीज़ ऐड करके ना उसको मिक्स कर देंगे, बट ये जो आलू है ना इसको हम एंड पे डालेंगे और बाद में हिलाना, मतलब सिर्फ एक दफ़ा हमें हिलाना पड़े मिक्स करने के लिए, ज़्यादा नहीं, वरना ये बहुत टूट जाता है। थोड़ा सख्त रखना है आलू को ना, और साथ ये है कि इसके थोड़े बड़े बड़े चंक्स हमने इसके अंदर ऐड करने हैं, छोटे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। तो हम सबसे पहले चने को वॉश करके इसके अंदर ऐड करते हैं। चना गया, अब हम ये प्याज इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये चला गया प्याज, अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चम्मच मारकर छोटा मार देते हैं। तो इसके अंदर क्या करते हैं, मैं ना स्मेल करके पता करती हूँ कि ना इसके अंदर क्या चीज़ की कमी है, मुझे पता नहीं, स्मेल से मेरा पता चल जाता है। तो इसके अंदर थोड़ी सी क्या कहते हैं इमली और ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा योगर्ट और ऐड करते हैं, क्योंकि ये देखो इसकी ना मतलब थोड़ी थिकनेस बननी चाहिए, तो वो बन नहीं रही। एक तो रोज़ा है बंदा पता भी नहीं सकता किस चीज़ की कमी है, इमली ज़्यादा खट्टी ना होना तो अच्छी नहीं लगेगी। चलो जी, हम इसके अंदर योगर्ट भी एक और 2 चम्मच 2 और स्पून ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये चने ज़्यादा हो गए, क्योंकि कुकम्बर ऐड किया ना मैंने, और ये चीज़ें तो पी ही रही है सारा जो जूसी जूसीपन है, तो हमें जूसीपन ज़्यादा चाहिए। तो ये हो गया, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हाँ अब बाहर है, ये ठीक है, आई होप खाने में भी अच्छी होगा। ये मेरा नमक अपने जितना कम रखेंगे ना उतना ही बेहतर है, क्योंकि नमक ऐसी चीज़ें ज़्यादा हो जाए तो बहुत बुरा, लाइक सारा चीज़ ही ख़राब हो जाती है। और दूसरा, अगर आपने किसी को देना है कुछ चीज़ें बना के, तो आप ऐसे ही करें ना, नमक कम रखें, अगर उनको लगे कि कम नमक कम है, मिर्च कम है, तो वो खुद ही ऐड कर सकते हैं। कम को ज़्यादा करना ईजी है, ज़्यादा को कम करना ख़राब करना ही है। तो हम इसके बड़े बड़े चंक्स में आपको दिखा देती हूँ ना कैसे मैं ऐड करती हूँ। तो देखो सारी चीज़ें मिक्स कर ली, एंड पे हमें क्या करना है, ये लिया आलू, इसको मिडिल से ऐसे कट किया और थोड़े ऐसे ऐसे चंक्स रखने हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे हम मिक्स करेंगे उसने और थोड़ा टूटना तो है ही, तो ज़्यादा बड़े रखेंगे तो अच्छी बात है। जैसे चाट से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुना, स्टोरी क्या मतलब बात बताती हूँ जो मुझे याद आ जाती है। हम लोग ना मतलब जब पाकिस्तान में मैं थी, हम लोग ईद बनाते थे ना, मतलब ईद होती थी तो हम जाते थे अपने ना चाचू की तरफ, तो जो मिडिल वाले चाचू है ना हमारे, तो उनकी वाइफ बनाती थी, मतलब मेरी चाची इतनी यम्मी चाट बनाती थी, और हमें ना ज़्यादा क्रेविंग इसी चीज़ की होती थी कि ईद पे उनके घर जाना है और चाट खानी है। तो रो मतलब जब ईद आनी तो रात को नींद भी इसी वजह से नहीं आती थी कि चाट खाएंगे, उनकी चाट बड़ी मज़ेदार होती थी, यही चना चाट बनाती थी वो। फिर उसके बाद हमने जाना सुबह उधर, मैं जब भी चाट बनाती मुझे वही वाली मेमोरी याद आ जाती है, देखा ना कैसी होती है, अगर हम वो रहते हैं ना मिलजुल के, तो सच्ची ऐसी छोटी छोटी मेमोरीज बहुत सारी होती है इंसान के पास, तो इतना मज़ा आता था, भर भर के दो दो प्लेटें खाते थे चाट के, बाकी कुछ ना भी खाना हो, चाहे बकरा ईद है चाहे दूसरी ईद है, चाट तो मस्ट है ना उनके हाथ की। अभी मेरी वो व्लॉग देख रही होंगी, है ना चाची, देख रही है ना मेरा व्लॉग तो उनको याद आ जाएगी ये बात जो मैं कर रही हूँ। चलो फटाफट से हम इसको ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते। उसके बाद मैंने पापड़ी भी घर पे अंदर बना के रखी हुई है, तो हम पापड़ी का क्या करेंगे, हम ना उसको एंड टाइम पे ही ऐड करेंगे। अगर आपने किसी को देनी भी है तो आपने उसी वक्त लाइक देने के टाइम भी ऐड करनी है। मैंने क्या मतलब एक दफ़ा मैंने एक्सपीरियंस किया है कि उसको अगर थोड़ा टाइम पहले ऐड कर लो ना, तो वो
अंदर थोड़ी मिक्स होने लग जाती है, जिसकी वजह से ना वो ऐसे गीली गीली सी हो जाती है। तो हमें तो क्रंची क्रंची पन चाहिए होता है, तो इसलिए आपने एंड टाइम पे जब आपने खाना है ना चाट को, उस वक्त ऐड करें। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, अलग-अलग प्लेट में डाल लें और जब जब खानी है तो उसके अंदर ऐड करते जाएँ। कैसा सीन, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने पापड़ी भी कैसे बना के रखी हुई है डब्बे के अंदर। तो ये हो गया, हम इसको हल्का हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। रोज़ा इतना लंबा होता है ना, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं, बहुत ही लंबा होता है। तो ये बन गई हमारी चार, बस इतना ही हम मिक्स करेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरी पापड़ी, ये हाथ वॉश करो पहले। क्या आप मेरी पापड़ी देखने के लिए तैयार हैं? तो आप देख लें, ये रही मेरी पापड़ी, वो गिरती पड़ गई है। सही है ना, एंड टाइम पे हम इसको ऐड कर देंगे। कैसा सीन है? ये मेरे पाकिस्तान वाले घर के फ्लावर्स हैं। चलो मेरे चैनल को कर लो जो सपोर्ट सब्सक्राइब माय चैनल।